अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब फ्रॉम फोन वर्ल्ड और आज स्मार्ट रिव्यूज़ में हम क्यू मोबाइल की एक नई सीरीज़ का हैंडसेट है उसका रिव्यू करेंगे जिसका नाम है क्यू मोबाइल J5। वेल व्यूअर्स, आप देख सकते हैं क्यू मोबाइल की जे सीरीज़ जिसमें आप हमारे पास है J5 और इट्स अ 5-inch डिवाइस। आप देख सकते हैं इस हैंडसेट को और इस हैंडसेट के बारे में एक और चीज़ कैसे देखते हैं, एकदम लगता है कि आपने कोई हवावे का हैंडसेट पिक किया हुआ, क्योंकि ये जो शेप है एंड देन द कलर, क्योंकि ये वाले कलर्स और इस तरह की जो शेप होती है नॉर्मली हवावे हैंडसेट्स की होती है। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्यू मोबाइल है, जैसे करते हैं कि इसकी बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ से हम इसका शेप देख सकते हैं जो कि रिसेंबल करता है किसी हवावे हैंडसेट को। जी, यू कैन सी द फ्लैश लाइट, नोटिफिकेशन, ये आप यहाँ से कैपेसिटिव कीज़ देख सकते हैं इसकी। आपको 3 कैपेसिटिव कीज़ नज़र आ रही हैं इसकी। अब यहाँ से हम इसकी ब्रांडिंग पर चले जाएँ तो बहुत ही शाइनी बॉडी है इसकी क्यू मोबाइल की, जो चेंज ब्रांडिंग है, सिर्फ क्यू का लोगो लिखा हुआ है। ये इसकी ब्रांडिंग भी चेंज हो गई है। आप यहाँ से स्पीकर्स देख सकते हैं, कैमरा, फ्लैश लाइट और यहाँ से वॉल्यूम की, पावर बटन। यहाँ से आप USB पोर्ट देख सकते हैं इसका और ये माइक, और इधर से हमारे पास है ऑडियो जैक। अब इसको अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक बहुत खूबसूरत सा इसका जो स्ट्रिप आता है इधर, एक गोल्डन ही कलर में, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है इसके जो ओवरऑल बॉडी के इर्द गिर्द जो है, इट मेक्स इट लुक रियली नाइस और काफ़ी प्रीमियर टाइप का हैंडसेट लग रहा है। अब हम इसकी डिस्प्ले की साइड पर जाते हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ 5-inch डिवाइस और इट हैज़ एन HD डिस्प्ले। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका वॉलपेपर चेंज हो रहा है और ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह हुआवे के हैंडसेट्स का होता है, जब फोन लॉक होता है तब भी आप उसका डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं बाय जस्ट स्वाइपिंग इट। तो इस हैंडसेट में भी यू कैन सी कि आप अपना डिस्प्ले उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, कुछ हुआवे के साथ रिसेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है इस हैंडसेट की। अब हम चलते हैं हैंडसेट की तरफ और इसके इंटरफेस की तरफ। सबसे पहले तो मुझे लगता है हम डिटेल्स देख लेते हैं, डिवाइस डिटेल्स, और फिर बाकी फीचर्स पे हम बाद में बात करते हैं। सो वी हैव विलामो डिवाइस डिटेल्स। जी, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें जो OS यूज़ हुआ है, इट्स एंड्रॉयड मार्शमेलो 6.0। आप मॉडल नंबर देख सकते हैं J5, जैसे मैंने आपको बताया था HD है तो 1280x720। और यहाँ से हम देख सकते हैं इट्स अ क्वाड कोर प्रोसेसर, 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, MediaTek की चिपसेट यूज़ हुई है और जो चिपसेट यूज़ हुई है दैट इज़ MT6737। जी, यहाँ से हम इसके ग्राफिक ड्राइवर देख सकते हैं, इट्स Mali-T720। और अगर हम इसकी रैम की बात करें तो इस हैंडसेट में जो रैम है इट्स 2GB और जो इसकी रोम है इट्स 16GB रोम, पर आप उसे एक्सपैंड कर सकते हैं SD कार्ड। और इस हैंडसेट में आप जो SD कार्ड इंसर्ट करते हैं, यू कैन इंसर्ट अप टू 128GB SD कार्ड। जी, यहाँ से हम कुछ सेंसर्स इसके देख सकते हैं, आप देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट सेंसर्स ऑल्सो। अब हम चलते हैं इस हैंडसेट के इंटरफेस की तरफ। जैसे कि यूजुअल ऐप्स होती हैं क्यू मोबाइल की, अब यहाँ भी देख सकते हैं क्यू मोबाइल की यूजुअल ऐप्स जो कि प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, जैसे कि फेसबुक, स्काई, व्हाट्सएप, क्यू केयर, ये सब ऐप्स जो होती हैं क्यू मोबाइल के हैंडसेट्स में प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। और यहाँ से हम गेम लॉफ्ट भी देख सकते हैं, गेम लॉफ्ट में भी आपको पता है कि क्यू मोबाइल के हैंडसेट्स में अब गेम लॉफ्ट की कुछ गेम्स भी प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, जैसे कि इस हैंडसेट में भी है। तो हम ऐसा करेंगे, हम एक गेम खेलते हैं और हम ताकि इसकी ग्राफिक्स और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी थोड़ी देख सकें। सो वील प्ले दिस एज फॉर नाइट्रो, इसका वॉल्यूम हम थोड़ा तेज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जितनी देर में इसकी प्रोसेसिंग टाइम ले रही है। लेट मी टेल यू अबाउट दिस हैंडसेट कि ये हैंडसेट थोड़ा हैवी लग रहा है मुझे, मतलब कि आजकल हम लोग को आदत हो गई बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैंडसेट्स को यूज़ करने की, तो दिस सीम्स अ बिट हैवियर। जी, आप यहाँ से देख सकते हैं, हम इसे करते हैं डेमो, खेलते हैं इस हैंड गेम का प्ले डेमो। आप इसका प्रोसेसिंग टाइम देख सकते हैं, इस जगह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वेल व्यूअर्स, अब चलते हैं हम इसके कैमरा की तरफ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट का जो रेयर कैम है इट्स 8 MP रेयर कैम और जो इसका फ्रंट कैम है वो है 5 MP फ्रंट कैम। तो हम इसके कुछ कैमरा फीचर्स की तरफ पहले जाते हैं। तो हियर वी हैव कैमरा। जी,
हम यहाँ से देख सकते हैं इसकी उम्र की। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ प्री इंस्टॉल्ड मोड्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं HDR, नाइट, पैनोरामा, प्रोफेशनल, ये जो यूजुअल की उम्र के मोड्स हैं। हम लोगों ने इसमें पिक्चर्स भी ली हैं, जेस्ट भी बनाए हैं और मूड फोटोग्राफी भी की है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ से आप बाकी सेटिंग्स भी देख सकते हैं, यू हैव कैप्चर, काउंटडाउन, गाइडलाइंस और बाकी चीज़ों को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं जिस तरह आप अपनी पिक्चर लेना चाहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं, प्री इंस्टॉल फिल्टर्स, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं वो पिक्चर जो हमने सनसेट से ली हैं। जी यह पिक्चर देख सकते हैं, ये इसकी फ्रंट कैम की पिक्चर है, इट्स अ सेल्फी। और अगर हम इसकी डिटेल्स देखें जी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 144 MB का फाइल साइज़ है, और बाकी डिटेल्स भी आप यहाँ से इसकी देख सकते हैं। ये 5 MP फ्रंट कैम की पिक्चर है, ये भी सेम सेल्फी है फ्रंट कैम की, लेकिन इट्स इन ब्यूटी मोड, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। और इसकी भी अगर मैं आपको डिटेल दिखा दूँ, आप देख सकते हैं 127 MB का फाइल साइज है। ये हमने इसकी मूड पिक्चर्स कैप्चर की थी, और मूड पिक्चर में भी डिफरेंट आपके पास फिल्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जिफ है, हम लोगों ने जिफ बनाया, आप बैठे बैठे जिफ बना सकते हो और ऐसे अपनी प्रोफाइल वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फेसबुक पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल वीडियोस लगाना स्टार्ट कर दी हैं प्रोफाइल पिक्चर्स के बजाय। और ये आप देख सकते हैं 8 MP रेयर कैम की पिक्चर है इसकी, और ये बहुत ही खूबसूरत और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है। ये पिक्चर आपको हमारे रिटर्न रिव्यू में भी मिल जाएगी अगर आप इसे पूरा इसको बड़ी डिटेल से देखना चाहते हैं। फिर मैं आपको यहाँ से भी इसकी डिटेल्स दिखा देती हूँ, आप ये देख सकते हैं 2.20 MB इसका फाइल साइज़ है। द लास्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज द बैटरी ऑफ दिस हैंडसेट। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट में जो बैटरी यूज़ हुई है इट्स 2300 mAh बैटरी, जो कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जी आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो बैटरी है 2300 mAh बैटरी, और आप ये भी देख सकते हैं इट्स अ ड्यूल सिम हैंडसेट। आप सिम 1 इंसर्ट करेंगे एंड सिम 2, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप SD कार्ड इंसर्ट करें तो आपको अपनी सिम 2 को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आप दोनों में से किसी एक को ही यूज़ कर सकते हैं। वेल व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। इन केस अगर हम लोगों ने कोई चीज़ मिस कर दी है या कोई ऐसी चीज़ जो हमने वीडियो रिव्यू में आपको नहीं बताई, तो सबसे पहले तो आप हमारी रिटन रिव्यूज़ जाके देखें, और कोई ऐसी चीज़ें जो वीडियो रिव्यूज़ और रिटन रिव्यूज़ में भी आपको नहीं मिली, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और विल गेट बैक टू यू विद योर आंसर्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं किसी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई उसमें नहीं कर रही होती, उसका रीज़न ये होता है कि वो चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है हमारे रिटन रिव्यूज़ में इन डिटेल, इसलिए मैं आपको वहाँ रिप्लाई नहीं करती। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ भी नहीं और भी नहीं है, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करती हूँ फॉर योर क्वेश्चंस। तो फॉर मोर रिव्यूज की विजिटिंग वेबसाइट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज़।